गजल की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है बेगम अख्तर का। पहले गजल कोठों का फख्र हुआ करती थी, लेकिन इसे आम लोगों तक पहुंचाने का सेहरा सिर्फ बेगम अख्तर को जाता है। खास तौर पर क्लासिकी रागों पर मबनी गजल गायकी में बेगम अख्तर का कोई मुकाबला नहीं है। बेगम अख्तर की गायकी का ये कमाल था कि उन्हें गजल की मलका कहा जाता था। मशहूर शायर कैफी आजमी ने एक बार बेगम अख्तर की गजल गायकी की तारीफ करते हुए कहा था कि गजल के दो मायने हैं, पहली गजल और दूसरी बेगम अख्तर। उनके गीतों और गजलों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। सिर्फ गाना ही नहीं, बेगम अख्तर ने कुछ फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। गुलोकारा और अदाकारा बेगम अख्तर को मलका गजल के नाम से याद किया जाता है। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेगम अख्तर की पैदाइश 7 अक्टूबर 1914 को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद के एक मुतवस्सित घराने में हुई थी। उनका हकीकी नाम अख्तरी बाई था। उनके वालिद असगर हुसैन एक नौजवान वकील थे। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सारंगी के उस्ताद इमा खान अता मोहम्मद खान से मौसीकी की इब्तदाई तालीम हासिल की और मोहम्मद खान अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय मौसीकी सीखी। 30 की दिहाई में बेगम अख्तर पारसी थिएटर से मुंसलिक हो गई। बतौर अदाकारा बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह से सिनेमा में अपने करियर का आगाज किया। 1933 में ईस्ट इंडिया के बैनर तले बनी फिल्म नील दमयंती की कामयाबी के बाद बेगम अख्तर बतौर अदाकारा अपनी कुछ शनाख्त बनाने में कामयाब रही। 1945 में जब बेगम अख्तर का फन उरूज पर था, तब उन्होंने लखनऊ के एक मशहूर प्रोड्यूसर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने गाना बजाना छोड़ दिया। 1949 में उन्होंने एक बार फिर लखनऊ रेडियो स्टेशन से गजलें गाने के प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। मौसीकार मदन मोहन की सिफारिश पर 1953 में उन्होंने फिल्म दाना पानी और उसके बाद फिल्म एहसान में अदाकारी की और गीत भी गाए। बेगम अख्तर ने बहजाद लखनवी, मोमिन खान मोमिन और अख्तर और गालिब के अलावा जौफ, मीर, फैज़, शकील, शमीम, जयपुरी, फाखिर, याहिया और कैफी आजमी के गजलों को अपनी आवाज़ से अमर किया। उन्होंने तकरीबन 400 से ज़ायद गजलों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया। मशहूर हिंदुस्तानी ग्लोकारा और अदाकारा बेगम अख्तर की दिलकश आवाज़ में ऐसी दिलकशी थी जो सामईन के दिलों को पिघला कर उसमें सोज भर देती थी। यही वजह है कि उन्हें मलका गजल के नाम से याद किया जाता है। 30 की दिहाई में बेगम अख्तर के पारसी थिएटर से मुंसलिक हो गई। ड्रामों में काम करने की वजह से उनका रियाज छूट गया, जिससे मोहम्मद अता खान काफी नाराज हुए। लेकिन जब वो बेगम अख्तर का ड्रामा तरकी हूर देखने गए और इस ड्रामे का गाना चल रही मेरी नैया नगमा सुना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ड्रामा ख़त्म होने के बाद उन्होंने बेगम अख्तर से कहा, बेटा तू सच्ची अदाकारा है। बतौर अदाकारा बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह से सिनेमा में अपने करियर का आगाज किया, लेकिन इस फिल्म की नाकामी की वजह से अदाकारा के तौर पर वो कुछ खास शनाख्त नहीं बना पाई। 1933 में ईस्ट इंडिया के बैनर तले बनी फिल्म दिल दमयंती की कामयाबी के बाद बेगम अख्तर बतौर अदाकारा अपनी कुछ शनाख्त बनाने में कामयाब रही। इस दौरान बेगम अख्तर ने अमीना, मुमताज़ बेगम, जवानी का नशा, नसीब का चक्कर जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। कुछ वक्त के बाद वो लखनऊ चली गईं, जहां उनकी मुलाकात मशहूर प्रोड्यूसर और फिल्म साज महबूब खान से हुई, जो बेगम अख्तर के फन से काफ़ी मुतासर हुए और उन्हें मुंबई आने की दावत दी। साल 1942 में महबूब खान की फिल्म रोटी में बेगम अख्तर ने अदाकारी के साथ साथ गाने भी गाए। इस फिल्म के लिए बेगम अख्तर ने 6 गाने रिकॉर्ड कराए थे, लेकिन फिल्म बनाने के दौरान मौसीकार अटल विश्वास और महबूब खान के आपसी झगड़े के बाद रिकॉर्ड किए गए 3 गानों को फिल्म से हटा दिया गया। बाद में उनके इन्हीं गानों को ग्रामोफोन डिस्क ने जारी किया। कुछ दिनों के बाद बेगम अख्तर को मुंबई की चकाचौंध कुछ अजीब सी लगने लगी और वो लखनऊ वापस चली गई। बेगम अख्तर का शादी का किस्सा काफी दिलचस्प है। एक प्रोग्राम के दौरान बेगम अख्तर और इश्तियाक मोहम्मद की मुलाकात हुई। बेगम अख्तर ने कहा कि मैं शोहरत और पैसे को अच्छी चीज नहीं मानती। औरत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि किसी की अच्छी बीवी बने।
ये सुनकर अब्बासी साहब ने कहा कि क्या आप शादी के लिए अपना करियर छोड़ देंगी? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो मैं गाना बजाना तो क्या अपनी जान तक दे दूंगी। शादी के बाद उन्होंने गाना बजाना तो दूर गुनगुनाना तक छोड़ दिया था। साल 1949 में उन्होंने एक बार फिर लखनऊ रेडियो स्टेशन से गजलें गाने के प्रोग्राम देने शुरू कर दिए। बेगम अख्तर की शोहरत को देखते हुए उन्हें दोबारा बतौर अदाकारा काम करने के लिए फिल्मों से ऑफर आने लगे। लिहाजा मौसीकार मदन मोहन की सिफारिश पर 1953 में उन्होंने फिल्म दाना पानी और उसके बाद फिल्म एहसान में अदाकारी की और गीत भी गाए। इसके बाद 1958 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म जलसाए घर में भी काम किया। बेगम अख्तर की गजल गायकी में एक शफाफ और बंधी हुई सुरीली रेशमी आवाज का एहसास होता था, लिहाजा उनको मलकाए गजल के लकब से याद किया जाने लगा। अपने शुरुआती दौर में बेगम अख्तर ने गालिब की भी 9 गजलें गाईं। इसके अलावा जौक, मीर, फैज, शकील, शमीम जयपुरी, फाखिर याया और कैफ़ आज़मी की तख्लीकात को भी अपनी जादुई आवाज़ से लबरेज़ किया। जल्द ही उनकी गजल गायकी अपने उरूज को पहुंच गई और रोज़ बरोज उनकी आवाज़ में निखार आता गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई मशहूर और मकबूल शोरा की गजलें गाईं और तकरीबन 400 से ज़ायद गजलों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया। साल 1972 में मौसीकी के मैदान में उनके काबिले जिक्र शराकत के पेशे नज़र संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा वो पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजी गईं। बेगम अख्तर ने अपना आखिरी प्रोग्राम 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में पेश किया था, जिसका उन्वान था एक शाम बेगम अख्तर के नाम। इस प्रोग्राम में उन्होंने अभी एक ही गजल गाई थी कि उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और प्रोग्राम दरमियान में ही मुलतवी करना पड़ा था। बेगम अख्तर को अस्पताल में दाखिल कराया गया मगर उनकी हालत में कोई सुधार न हुआ। मुसलसल जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद बेगम अख्तर ने अहमदाबाद के उसी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। बेगम अख्तर 30 अक्टूबर 1974 को इस दार फानी से रुखसत हो गई।